एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में लाउडस्पीकर वर्सेज अजान के मुद्दे पर शुरू हुए बवाल ने अघाड़ी गठबंधन के नेताओं में ही आपसी दरार पैदा करने का काम कर दिया है। बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व कांग्रेस शिवसेना के नेताओं की आपसी तनातनी से ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियां अलग अलग बीएमसी चुनावी मैदान में उतरेगी। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले विपक्ष की घेराबंदी वाले जाल में शिवसेना फंसते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। इसी बीच स्थानीय निकाय और बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व कांग्रेस एनसीपी के बीच में आपसी तनातनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एनसीपी के नेता हमारी कांग्रेस के लोगों से हाथ मिलाकर उनमें पेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस में तोड़फोड़ की जा सके। और नाना पटोले ने साफ शब्दों में कहा है कि एनसीपी के नेताओं का ये कदम पीठ में चूरा घोंपने जैसा है और एनसीपी नेताओं द्वारा उठाए गए इस कदम पर कांग्रेस जल्द ही एनसीपी से जवाब मांगेगी। लेकिन बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व अघाड़ी गैंग में पड़ी आपसी फूट की पोल खुलने के तुरंत बाद एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता नाना पटोले का ये बयान पूरी तरह से हास्यास्पद है और एनसीपी के नेता कभी भी अपनी राजनीति में पीठ में छुरा घोंपने जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अजीत पवार ने नाना पटोले को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहले वो कांग्रेस में थे, वहां से भाजपा में चले गए और कुछ दिन भाजपा में रहने के बाद मन नहीं लगा तो वापस कांग्रेस में आ गए। ऐसे में पटोले के परिवर्तन वाले इतिहास को भी देखना चाहिए कि किसने किसकी पीठ में खंजर घोंपा है। और अजीत पवार यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा पीठ में खंजर घोंपने वाले बयान सुर्खियां बटोरने के लिए दिए जा रहे हैं और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बराबर की पार्टनर कांग्रेस को उसकी औकात याद दिलाते हुए अजीत पवार ने कहा कि तीनों दल गांव, जिला और राज्य स्तर पर अपने अपने काम को महत्व दे तो ठीक रहेगा। यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में अलग थलग पड़ी कांग्रेस को आईना दिखाने का काम एनसीपी की तरफ से कर दिया गया है, जिसमें उद्धव सरकार की सारी मलाई एनसीपी और शिवसेना चख रही है। लेकिन कांग्रेस का प्रभाव अघाड़ी गठबंधन में नीलबटे सन्नाटा है, क्योंकि उद्धव सरकार के सारे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कांग्रेस को दरकिनार करते हुए एनसीपी और शिवसेना का कब्जा है, जिसे याद दिलाकर अजीत पवार ने कांग्रेस को आईना दिखाने के साथ साथ सोनिया सेना में रोष भी पैदा कर दिया है, जो बीएमसी चुनावी मैदान में कांग्रेस को अकेला उतरने के लिए मजबूर करेगा। ऐसे में कांग्रेस एनसीपी के बीच की तनातनी दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस शिवसेना के नेताओं में पड़ी आपसी दरार किसी से छुपी हुई नहीं है। पिछले दिनों ही महाराष्ट्र कांग्रेस में राहुल गांधी ग्रुप के नेता संजय अनुपम ने उद्धव सरकार को डरपोक बताते हुए शिवसेना पर कटाक्ष किया था, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन की राजनीति में हड़कंप मच गया और बीएमसी चुनाव में कांग्रेस शिवसेना के अलग अलग चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं तेज हो गई। दरअसल औरंगाबाद में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की महाजनसभा के दौरान महाराष्ट्र पुलिस द्वारा लगाई गई 16 शर्तों में से 12 शर्तों का उल्लंघन होने के बावजूद भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी नहीं होने से बौखलाई कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया और संजय निरुपम ने साफ शब्दों में कहा कि राज ठाकरे के खिलाफ कोर्ट द्वारा दो अलग अलग मामलों में गैर जमानती वारंट जारी होने और उद्धव सरकार की लगाई गई 16 शर्तों में से 12 शर्तों का उल्लंघन होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की पुलिस राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, तो ऐसे में क्या राज ठाकरे के प्रभाव से राज्य की उद्धव सरकार डरी हुई है और उद्धव ठाकरे को डरपोक बताने के बावजूद भी शिवसेना के किसी भी नेता की हिम्मत नहीं हुई जो संजय अनुपम को जवाब दे दे। लेकिन महाराष्ट्र की आम जनता भली भांति समझ रही है कि अघाड़ी गैंग में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और तीनों पार्टियों के नेताओं में पड़ी आपसी दरार को देखने के बाद लग रहा है कि उद्धव सरकार में महाराष्ट्र के विकास को बढ़ावा देने वाला फैसला लेने की बजाय 100-100 करोड़ रुपए महीना वसूली कांड को अंजाम देकर अघाड़ी गैंग के नेताओं का विकास जरूर किया जा रहा है, जिसका महाराष्ट्र की आम जनता द्वारा बीएमसी चुनाव में
अघाड़ी गैंग को करारा जवाब देने की चर्चाएं लगातार तेज है। इसी बीच औरंगाबाद में राज ठाकरे की जनसभा बाद शिवसेना के पैरों तले से खिसकी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश में बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को एक जनसभा का आयोजन किया, लेकिन उद्धव ठाकरे की इस जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए शिवसेना के मुखपत्र सामना में पूरे हिंदुस्तान के शिव सैनिकों को आने का निमंत्रण दिया गया, क्योंकि शिवसेना के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों अनुसार पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 1% शिव सैनिक ही उद्धव ठाकरे के समर्थन में रहे हैं और 99% शिव सैनिकों के मन से प्रमुख राज ठाकरे के साथ जाने से उद्धव ठाकरे की जनसभा में भीड़ नहीं जुट पाती। ऐसे में शिवसेना ने पूरे हिंदुस्तान से शिव सैनिकों को निमंत्रण भेजकर उद्धव ठाकरे की जनसभा में भीड़ जुटाई, लेकिन निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए उद्धव ठाकरे की इस रैली को सुपर डुपर फ्लॉप कर दिया, क्योंकि राणा दंपति ने दिल्ली के एक 5000 साल पुराने हनुमान मंदिर में महाआरती और हनुमान चालीसा का जाप कर मीडिया को अपनी ओर खींच लिया। इसी मीडिया के सामने उद्धव ठाकरे को खुल्लम खुल्ला चुनौती देकर शिवसेना की सरकार को करप्शन लंका बताते हुए महायुद्ध में उतरकर लंका दहन करने की खुली चुनौती उद्धव ठाकरे को दे डाली। एक तरफ राणा दंपति की तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ऐलान किया गया कि जब तक उद्धव ठाकरे को सत्ता की कुर्सी से नहीं उखाड़ फेंकेंगे तब तक ये महायुद्ध रुकने वाला नहीं है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के पास उनकी जनसभा में बोलने के लिए मन से प्रमुख राज ठाकरे, राणा दंपति और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ था ही नहीं जो महाराष्ट्र की आम जनता को अपनी ओर आकर्षित कर सके। उद्धव ठाकरे ने अपनी जनसभा के भाषण में मन से प्रमुख राज ठाकरे को मुन्ना भाई बताते हुए नकली हिंदुत्व वाले लोग बताया और राणा दंपति को बीजेपी के इशारे पर चलने वाला बताते हुए भारतीय जनता पार्टी को गधाधारी हिंदुत्व वाली नकली पार्टी बताकर शिवसेना के 25 साल बर्बाद करने की बात कही। बस इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द उद्धव ठाकरे का पूरा भाषण रहा और बीएमसी चुनाव से ठीक पूर्व शिवसेना की तरफ से जिस मकसद के लिए इस जनसभा का आयोजन किया गया था उसमें उद्धव ठाकरे को कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मंच प्रमुख राज ठाकरे के साथ मिलकर बीएमसी की गद्दी से शिवसेना को कोसों दूर खिसका दिया है, जिसकी भरपाई होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। और इसी बोखलाहट में शिवसेना की तरफ से एन-केन प्रकारेण बीएमसी पर कब्जा करने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाए जा रहे हैं और उसी रणनीति का एक हिस्सा रहा कि मन से प्रमुख राज ठाकरे की नकल करते हुए शिवसेना की तरफ से भी औरंगाबाद में ही उद्धव ठाकरे की जनसभा का आयोजन किया गया, लेकिन उम्मीद से काफी कम प्रभाव उद्धव ठाकरे का देखा गया जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए मुश्किलें पैदा करने का काम करेगा। इतना ही नहीं, शिवसेना की राजनीतिक आइडियोलॉजी जिसमें औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने के नाम पर 2019 में शिवसेना ने जमकर जनता से वोट मांगे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की छत्र छाया में रहने के बाद औरंगाबाद जनसभा में उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की कोई जरूरत नहीं है। तानाशाही शासक औरंगजेब के नाम पर पड़े औरंगाबाद का नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उद्धव ठाकरे के बोल हैं। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बीएमसी चुनाव से पूर्व मचे इस बवाल पर आपके क्या विचार हैं? क्या एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना बीएमसी चुनाव में अलग अलग उतरेगी? क्या तीनों पार्टियां एक साथ उतरने का किसी तरह से कोई रणनीति पर काम कर रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार को बीएमसी चुनाव में धूल चटाएगी? इस पर आप अपने विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट अगले न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।